तो आइए आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास नाइन्थ का एक नया चैप्टर हिंदी का। जैसा कि अभी तक आप लोग इसका गद्य खंड का पार्ट एक से लेकर पार्ट छह तक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने लेखक का परिचय पाठ को लाइन बाय लाइन और उसके बाद प्रश्न उत्तर को पढ़े। इससे संबंधित हमने टेस्ट भी दिया। तो आज हम लोग इसका सात पाठ पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है टॉलस्टॉय के घर में, टॉलस्टॉय के घर में। और इस पाठ के लेखक का नाम है राम कुमार। आप लोग चित्र देख सकते हैं उनका, पेज नंबर 63 है ये। तो हर चैप्टर की तरह जैसा कि हम पहले लेखक का परिचय पढ़ते हैं, तो पहले हम लेखक का परिचय पढ़ेंगे और उसके बाद पाठ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेखक का नाम है राम कुमार जी, शुरू करते हैं। प्रख्यात चित्रकार और लेखक राम कुमार का जन्म सन 1924 में शिमला में हुआ था। यहां पे ये लाइन आप अंडरलाइन कर लेंगे, राम कुमार का जन्म सन 1924 में शिमला में, यहां तक, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लाइन है हर चैप्टर की तरह कि इनका जन्म कब हुआ था। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तो आप कहेंगे सन 1924 में हुआ था और शिमला में हुआ था। कहाँ पे हुआ था जी? शिमला जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। हिमाचल प्रदेश एक बहुत ही अच्छा जगह है, एक पर्यटन स्थल है जहाँ पे लोग गर्मियों में घूमने के लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे गर्मी नहीं पड़ती है, ठीक है ना। हमेशा ठंडी का मौसम रहता है, हवाएं बहती रहती हैं, पहाड़ी इलाका है, तो लोग गर्मी के मौसम में जाते हैं घूमने के लिए। वहीं पे इनका जन्म हुआ था राम कुमार जी का। देखिए ये लेखक तो थे ही, साथ ही साथ लेखक के ये चित्रकार भी थे। क्या थे? चित्रकार भी थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा शिमला में ही हुई। सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से अर्थशास्त्र में उन्होंने एमए किया। दिल्ली में एक कॉलेज है जिसका नाम है सेंट स्टीफेंस। क्या नाम है? सेंट स्टीफेंस कॉलेज। उस कॉलेज से इन्होंने एमए तक पढ़ाई की। जैसे कि अभी आप लोग नाइन्थ में पढ़ रहे हैं, इसके बाद आप लोग मैट्रिक में पढ़िएगा, उसके बाद आप इंटर कीजिएगा, इंटर के बाद बीए करेंगे और बीए करने के बाद एमए किया जाता है। समझ रहे हैं बात को ना? तो एमए इन्होंने किया था। और आज जैसा कि है कि आप लोग सभी विषय पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, संस्कृत हिंदी सब पढ़ते हैं, लेकिन जब आप इंटर पास कर जाइएगा तो इंटर के बाद हर व्यक्ति को अपना एक विषय चुनना पड़ता है और वो व्यक्ति एक ही विषय पढ़ता है, बाकी किसी विषय को नहीं पढ़ेगा। हल्का फुल्का पढ़ेगा लेकिन ज़्यादातर अपने मेन विषय को पढ़ेगा। तो इन्होंने जो पढ़ाई किया है एमए में, उन्होंने अर्थशास्त्र से किया है। किससे किया है? अर्थशास्त्र। जैसे कि आप लोग ये हिंदी पढ़ रहे हैं, आप लोग नाइन्थ क्लास का अपने एसएसटी पढ़ेंगे और आप लोगों के जीवन में अर्थशास्त्र पहली बार नाइन्थ क्लास में ही मिलता है। आठवां तक आप पढ़े होंगे इतिहास, भूगोल और नागरिक, लेकिन नाइन्थ में आने के बाद इतिहास, भूगोल, नागरिक तो पढ़ना ही पड़ता है, साथ ही साथ आप लोग अर्थशास्त्र भी किताब आता है पढ़ते हैं, उसको भी हम लोग सामाजिक अध्ययन ही कहते हैं, समाज कहते हैं। तो चार बुक आपको पढ़ने हैं नाइन्थ क्लास में, टेंथ में भी चार बुक। तो अर्थशास्त्र की शुरुआत आप लोगों कहाँ से होती है? नाइन्थ क्लास से। तो उसी विषय से इन्होंने एमए किया था। अर्थशास्त्र का अर्थ होता है पैसा, रुपया। क्या होता है? मतलब कि हमारे देश की क्या आमदनी है, क्या खर्चा है, क्या बचत है, इन सारे चीजों के बारे में जो पढ़ाई करता है ना, वो अर्थशास्त्री कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्थशास्त्री। आप लोगों ने चाणक्य का नाम सुना होगा। चाणक्य एक महान अर्थशास्त्री थे। कहा जाता है कि उनके जैसा अर्थशास्त्र आज तक कोई नहीं जाना, बहुत ज्यादा अर्थशास्त्र के बारे में उनको जानकारी था। इसी दौरान उन्होंने प्रख्यात चित्रकार शैलोज मुखर्जी से चित्रकला की शिक्षा ली। अब यहाँ पे शैलोज मुखर्जी को आप लोग अंडरलाइन कर देंगे। आप लोगों के दिमाग में ये बात अब होनी चाहिए कि आपसे ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि जो राम कुमार जी हैं, उन्होंने चित्रकला की शिक्षा किससे ली थी? शैलोज मुखर्जी से। तो आप कहेंगे शैलोज मुखर्जी।
अपनी चित्रकला की शिक्षा को विस्तार देने के लिए वे 1949 में पेरिस गए और 1952 तक वहां रहे। उन्हें 1972 में पद्मश्री सम्मान और 1985 में प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान समेत अब तक अनेक सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। मतलब इनको 1972 में पद्मश्री के सम्मान मिला है और फिर 1985 में इनको क्या मिला है, कालिदास सम्मान। तो ये सब याद रखेंगे आप लोग, कौन सा सम्मान कब मिला हुआ है। एक बात यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि इनकी मृत्यु नहीं दी गई है। तो मृत्यु नहीं दी गई है तो आप लोग याद कर लेंगे, कहीं लिख लेंगे कि इनकी जो मृत्यु हुई है वो है 14 अप्रैल 2018 को दिल्ली में, 14 अप्रैल 2018 को दिल्ली में। देखिए इसमें इसलिए नहीं दिया है क्योंकि जब ये किताब छपा होगा उस समय उनकी मृत्यु नहीं हुई होगी, ठीक है ना, क्योंकि किताब करीब करीब 2011 या 10 में छपा गया है, तो उस समय ये जिंदा थे, इसलिए इनके मृत्यु के बारे में कुछ नहीं कहा गया। आगे है राम कुमार की कृतियों के नाम है। अब देखिए इन्होंने उपन्यास लिखा है, उपन्यास का नाम है घर बने घर टूटे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि घर बने घर टूटे क्या है, उपन्यास, तो आप कहेंगे उपन्यास है। पूछा जाए घर बने घर टूटे किसने लिखा है, राम कुमार, तो आप कहेंगे राम कुमार, लेखक का नाम रखेंगे राम कुमार। उन्होंने दूसरा उपन्यास लिखा है देर सबेर, क्या लिखा है, देर सबेर। फिर उन्होंने, ये तो दो उनके उपन्यास हो गए, अब उनके कहानी भी है। तो कहानी इन्होंने लिखा है हुस्ना बीबी तथा अन्य कहानियां, एक चेहरा, समुद्र, एक लंबा रास्ता, मेरी प्रिय कहानियां, दीमक तथा अन्य कहानियां, झिंगरों का स्वर आदि, ये सब उनकी कहानियां हैं। क्या है, कहानियां। अब उन्होंने रिपोर्टाज लिखा है, उसका नाम है यूरोप के स्केच, अनुवाद। अनुवाद का अर्थ होता है ना, मतलब एक भाषा से दूसरे भाषा में लिखना। जैसे मान लीजिए अंग्रेजी में कोई कहानी है, उसको हिंदी में अपने लिख दिया, तो आपने क्या किया, अनुवाद कर दिया। तो इन्होंने अनुवाद किया है वार्ड नंबर 6, अपनी छाया, और इस पर इनको पुरस्कार भी मिले हुए हैं, ठीक है ना, अपनी छाया पर इनको मिला है ऑस्कर वाइल्ड के उपन्यास। आगे है राम कुमार के साहित्य में निम्न वर्गीय कस्बाई जीवन गहरी अनुभूति और संवेदना के साथ व्यक्त हुआ है, उनके साहित्य में भावुकता और बड़बोलेपन के लिए कोई स्थान नहीं है, वे मानवीय संबंधों के छीजन और संतरास को विश्वसनीयता के साथ पाठकों के सामने पेश करते हैं। राम कुमार का कथाकार यायावरी और चित्रकला से समृद्ध हुई उस भाव भूमि पर मिलता है जहां विस्तृत अनुभव संसार है और मानवीय गरिमा को कभी न आहत करने वाली दृष्टि। प्रस्तुत पाठ टॉलस्टॉय के घर में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक यूरोप के स्केच से संकलित है। ये लाइन आप अंडरलाइन कर लेंगे। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पाठ है टॉलस्टॉय के घर में वो किस पुस्तक से ली गई है, यूरोप के स्केच, तो आप कहेंगे यूरोप के स्केच से। वे सन 1949 में चित्रकला का अध्ययन करने के लिए पेरिस गए थे, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, फ्रांस की राजधानी कहाँ है जी, और वे वहां पर 1949 में गए थे चित्रकला सीखने के लिए। क्या सीखने के लिए, चित्रकला। आप लोग समझते हैं ना, फोटो बनाना। उन्हीं दिनों जब कभी मौका लगा उन्होंने इटली, डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, लंदन, चेकोस्लोवाकिया आदि देशों की यात्रा की। 1955 ईस्वी में जब प्राग में उनके चित्रों की प्रदर्शनी आयोजित हुई तब उन्हें दूसरी बार यूरोप यात्रा का अवसर मिला। इस बार उन्होंने पेरिस के अलावा सोवियत संघ, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी आदि देशों की यात्राएं की। यूरोप के स्केच में उन्हीं यात्राओं की रिपोर्टाज है। एक निरउद्देश्य यात्री की तरह घूमते हुए जो कुछ देखा महसूस किया उन्हीं स्मृतियों को उन्होंने इस पुस्तक में सजोया है। इन रिपोर्टाजों में तत्कालीन यूरोप की साहित्यिक सांस्कृतिक जगत की तस्वीरें हैं। तो दूसरे विश्व युद्ध के कारण उत्पन्न बिखराव से बाहर निकलने की कोशिशों की मार्मिक छवियां भी दर्ज है। टॉलस्टॉय के घर में लेखक ने टॉलस्टॉय को स्मरण करते हुए उनके जीवन की कभी न भुला पाने वाली यादों की एक झांकी प्रस्तुत की है। लेखक के लिए टॉलस्टॉय के घर की यात्रा तीर्थ यात्रा की तरह है। यह भी क्वेश्चन बनता है
कि लेखक के लिए टॉल्स्टॉय के घर की यात्रा किस तरह की यात्रा है? तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा आप लोग जानते हैं, अरे लोग बाबा धाम जगह मंदिर नहीं घूमने जाते हैं, मंदिर मस्जिद जैसे कि मक्का मदीना है, मुस्लिम धर्म में हिंदू धर्म में है कि बाबा धाम, चाहे बहुत जगह वैशाली लोग घूमने के लिए जाते हैं, तो ये तीर्थ स्थल होता है। क्या होता है? तीर्थ स्थल। देखिए अब थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पाठ जो है टॉल्स्टॉय के घर में, पाठ का नाम क्या है, आखिर ये टॉल्स्टॉय कौन थे? तो देखिए टॉल्स्टॉय एक रूस के लेखक थे। कहाँ के लेखक थे? जिस तरह हमारे देश का नाम भारत है, उसी तरह एक देश है जिसका नाम है रूस, सुने होंगे जरूर आप लोग इसका नाम। तो रूस में ये टॉल्स्टॉय जी हैं जो एक लेखक हैं, बहुत ही अच्छे लेखक हैं। वो इनके घर जाते हैं घूमने के लिए, इनके घर जाते हैं घूमने के लिए टॉल्स्टॉय के। टॉल्स्टॉय का पूरा नाम है लियो टॉल्स्टॉय। तो वो टॉल्स्टॉय के घर में जाते हैं, लेकिन जब ये जाते हैं तो उसमें टॉल्स्टॉय नहीं रहते हैं, मतलब उनकी मृत्यु हो चुकी होती है, और उनका जो घर है वहां की सरकार उसको म्यूजियम बना दी है। क्या बना दी है? म्यूजियम। म्यूजियम का अर्थ होता है एक ऐसा जगह जहां पर लोग पुराने पुराने चीजों को देखने के लिए जाते हैं। आप लोग पटना कभी जाइएगा तो पटना म्यूजियम भी है, तो वहां पे आपको पुरानी पुरानी वस्तुएं दिखाई देंगी, जैसे महात्मा गांधी के टाइम की चीजें, अकबर बाबर के जमाने की चीजें, ठीक है ना? तो उसको म्यूजियम बोलते हैं, हिंदी में संग्रहालय कहते हैं, संग्रहालय। तो उनके घर को सरकार ने म्यूजियम बना दिया, जहां डेली हजारों लोग आते हैं उसको देखने के लिए। उसी में ये भी गए हैं कौन? लेखक राम कुमार जी। अब चलिए ये अपनी यात्रा के बारे में बताएंगे कि कैसे वो वहां पर जाते हैं, वहां पर क्या क्या देखते हैं, और फिर वो वहां से लौटते हैं तो उनके मन में क्या क्या विचार आते हैं। आकाश गहरे नीले रंग का था और बिखरी धूप में मास्को की चमचमाती सड़कों पर उजले हरे रंग के पेड़ों और सड़कों पर टहलते लोगों की परछाइयां अजीब अजीब सी आकृतियां बना रही थी। लोगों में एक प्रकार का उल्लास था क्योंकि मास्को में धूप के दिन अधिक देर तक नहीं टिकते। लेखक बताते हैं कि जब ये टॉल्स्टॉय जी के घर जा रहे हैं तो कार में बैठे हुए हैं, आकाश नीले रंग का एकदम फ्रेश है और धूप निकला हुआ है, और वहाँ की ये खूबी है कि वहाँ पे धूप ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है, मतलब निकलता है और बहुत जल्दी धूप क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठंडा मौसम रहता है वहाँ पे। सुबह नाश्ता करके मैं अपने एक रूसी मित्र यूरा के साथ एक बड़ी सी कार में यासनाया पोलियाना के लिए रवाना हो गया। बताते हैं कि सुबह सुबह मैंने नाश्ता किया और मेरे रूस के एक मित्र हैं जिनका नाम है यूरा। इस नाम को याद रखिएगा कि लेखक राम कुमार जी के रूसी मित्र का नाम क्या था? यूरा। तो आप कहेंगे यूरा। यूरा के साथ एक बड़ी सी कार में बैठ के ये निकलते हैं यासनाया पोलियाना। यासनाया पोलियाना टॉल्स्टॉय के गाँव का नाम है। टॉल्स्टॉय के गाँव का नाम है। जैसे कि हम लोग किसी न किसी गाँव से आते हैं ना और भारत देश में रहते हैं, उसी तरह वो रूस में रहते हैं और उनके गांव का नाम है यासनाया पोलियाना। यासनाया पोलियाना के विषय में कब पहली बार पढ़ा था सो अभी याद नहीं, लेकिन जब जब आना करीनीना और युद्ध और शांति पढ़ा तब तब इस अजीब से अनजाने स्थान की ओर आकर्षण वाला। यहाँ पे दो शब्द है, आप लोग इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, आना करीनीना और युद्ध और शांति। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ देता है कि आना करीनीना किसने लिखा है, तो आप कहेंगे टॉल्स्टॉय। किसने लिखा है? युद्ध और शांति किसने लिखा है? टॉल्स्टॉय। दोनों किताब किनका है? ये टॉल्स्टॉय का बड़ा ही फेमस किताब है। तो इसके बारे में जब भी लेखक बताते हैं कि जब भी मैं इस किताब को क्या करता था, पढ़ता था, तो मेरे मन में आकर्षण हो जाता था। आकर्षण की मतलब मैं उस जगह पर जाऊं, घूमूं, देखूं कि वह जगह कैसा है। आगे कहते हैं लेखक, टॉल्स्टॉय की जीवनी में भी इस स्थान का विचित्र सा वर्णन पढ़कर कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी कि एक दिन मैं इस स्थान को देखूंगा। कार में बैठकर भी मुझे विश्वास नहीं हो सका कि मैं उस महत्वपूर्ण स्थान पर जा रहा हूं, जहां विश्व साहित्य की अमर कृतियां लिखी गई थी, जहां आना का चरित्र कागज पर उतरा था, जहां युद्ध और शांति के कितने ही सजीव चित्र रचे गए थे। प्रसन्नता के साथ साथ एक प्रकार का भाई भी मेरे मन में समा रहा था कि कैसे वह सब मैं अपनी आंखों से देख सकूंगा,
कैसे उस वातावरण के साथ अपने आप का समन्वय कर पाऊंगा। यहाँ पे लेखक बताते हैं कि जब भी मैं टॉलस्टॉय जी के घर के बारे में पढ़ता था या यास्नाया पोलियाना के बारे में पढ़ता था, तो मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं इस जगह पे कभी आऊंगा। लेकिन उस जगह पे जब आज मैं जा रहा हूँ तो मुझे बहुत बेचैनी हो गई है। मेरे मन में कई सवाल पैदा हो रहे हैं कि पता ना वो जगह कैसा होगा, उस जगह को देखने के बाद मेरी प्रतिक्रिया क्या होगी। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, आप जब भी पहली बार किसी जगह पे जाते हैं और उसके बारे में आपने कुछ पढ़ा होगा तो अजीब सी फीलिंग आती है कि उस जगह पे हम जा रहे हैं जिसके बारे में हम किताबों में टीवी में देखे हुए हैं। जैसे कि एग्जांपल है, मान लीजिए इसमें जितने भी लोग बैठे हो सबने ताजमहल देखा होगा, शायद सबने फोटो में टीवी में कहीं ना कहीं क्या देखा होगा, ताजमहल जरूर देखा होगा। सोचिए जिस दिन आपको कभी मौका मिले ताजमहल घूमने के लिए तो आपके मन में कई सारी बातें पैदा होंगी। आपके दिमाग में आएगा इसको शाहजहां ने बनवाया था, इसको मुमताज की याद में बनवाया था, ये आगरा में है। कई सारे बातें मन में चलेंगे जब आप ताजमहल का चित्र आप देखेंगे, वहां जाएंगे तो उसी तरह देखेंगे तो आपको अजीब लगेगा कि इसको मैंने कहाँ देखा है, फोटो में देखा है, किताबों में देखा है, इसे मैंने टीवी पर देखा है। उसी तरह लेखक के भी मन में बहुत सारी बातें आती हैं कि मैंने जिसके बारे में पढ़ा आज मैं उस जगह पे जा रहा हूं, और इनको इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। अच्छा, आप लोगों के मन में कभी आता है कि आप कभी ताजमहल घूमने जाएंगे, ऐसा लगता है, लेकिन कौन जानता है मौका कब मिले। तो आदमी उस दिन गजब एक्साइटेड होता है कि हाँ मुझे जाना है। जैसे कि बचपन में जब आदमी किसी हितई जाता है, जैसे कोई ममहर जाए, अगर कल जाना है तो आदमी आज से ही बेचैन हो जाता है, आज से ही कपड़ा प्रेस करना, सामान सरियाना, टाइम कम पड़ जाता है। और खतरनाक तो तब होता है जब सुबह में निकलना हो। अगर भोर में निकलना हो तो आदमी रात भर सोता भी ठीक से नहीं है, 9-10 बज जाएगा, 11 बज जाएगा, खाता भी ठीक से नहीं है, कल निकलना है। भले जाके वहां पे चुपचाप दिन में बैठे रहेगा, लेकिन आदमी का एक्साइटमेंट जो होता है बहुत ज्यादा होता है, खास करके बचपन में। आप लोग एज में ममहर जाना, हितई जाना बड़ा ही एक्साइटमेंट होता काम होता है, बड़ा मजा आता है जाने में। भले ही जाके वहां पे बोर हो जाते हैं बात अलग है, लेकिन जाने वक्त बड़ा मजा आता है। आगे फिर लेखक कहते हैं, कार 70 मील की रफ्तार से भागी जा रही थी। सड़क के दोनों ओर हरे और गहरे पीले रंग के लहलहाते खेत सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। कार में लगे रेडियो में न जाने किस संगीतकार के स्वर धीमे धीमे गूंज रहे थे। रात में कम सोने के कारण यूरा सीट पर सिर टिकाए सो रहा था और मैं खुली खिड़की से बाहर के दृश्य देख रहा था, परंतु मन में यास्नाया पोलियाना की बात सोच रहा था। आज न जाने हृदय के कौन से कोने में से बार बार नताशा, लेविन, आंद्रे, डाली के धुंधले धुंधले चित्र मेरी आंखों के सामने घूमे जा रहे थे और मैं कोशिश करने पर भी उन्हें अपने दूर से दूर नहीं कर पा रहा था। मतलब लेखक कहते हैं कि जब मैं गाड़ी में बैठा हुआ, तो आप लोग भी कहीं जाते हैं तो अगल बगल रोड के किनारे पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, अलग अलग प्रकार के खेत में फसल दिखाई देते हैं, पके हुए, कच्चे, इनको भी ये सब दिखाई दे रहा है, उस पर सूरज की रोशनी पड़ रही है तो और अच्छी लग रही है। ये सारी बातें सोचते हुए वे कहाँ जा रहे हैं, टॉलस्टॉय के घर। छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे शहर पीछे छूटे जा रहे थे और रेडियो से पियानो, वायलिन, मैंडोलिन के स्वर हृदय के सब सोए भागों को एक एक करके जगा रहे थे। 150 मील की यात्रा हमने 3 घंटों में पूरी की और हम यास्नाया पोलियाना के बड़े फाटक पर जा पहुंचे। लगभग 100-150 घरों के एक छोटे से गांव के सिरे पर टॉलस्टॉय का घर है, जिसके चारों ओर दूर दूर तक फैले हुए बाग बगीचे हैं। पास एक तालाब है जिसके किनारे टॉलस्टॉय घंटों जाकर बैठे रहते थे। बताते हैं कि जब यहाँ पे ये लोग पहुँचते हैं तो देखते हैं कि बहुत छोटे छोटे गांव हैं और बाग बगीचे हैं और एक तालाब है जहाँ पर टॉलस्टॉय जी जाकर क्या करते थे, घंटों बैठा करते थे। आजकल इस मकान को सरकार ने म्यूजियम बना दिया। म्यूजियम के बारे में बताए ना, सरकार ने उसको क्या बना दिया है, म्यूजियम, जिसमें टॉलस्टॉय का सब सामान तरतीबवार सजा हुआ है। तरतीबवार का अर्थ होता है मतलब एकदम साफ सुथरा सजा हुआ है। छुट्टी ना होने पर भी उस दिन वहां लगभग 1000 पुरुष, स्त्रियां और बच्चे म्यूजियम देखने आए हुए थे। कितने लोग आए थे जी? यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि छुट्टी नहीं होने के बावजूद, मतलब कहने का संडे भी नहीं था, फिर भी लोग उतना आए थे क्योंकि संडे के दिन सब कोई फ्री रहता है घूमने के लिए, लेकिन संडे भी नहीं है फिर भी लोग वहां पे इतने लोग आए हैं तो ये कोई छोटी बात नहीं है।
म्यूजियम के डायरेक्टर ने हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति को कर दिया जो टॉल्स्टॉय के सेक्रेटरी रह चुके थे। मतलब म्यूजियम का जो डायरेक्टर था, मालिक था, वो एक आदमी को बोला कि काम कीजिए, इन दोनों आदमी को आप थोड़ा म्यूजियम घुमा दीजिए। और जिससे बोले वो व्यक्ति टॉल्स्टॉय का सेक्रेटरी था, मतलब जो टॉल्स्टॉय जिंदा थे तो वो उनके साथ काम करता था सेक्रेटरी के पद पर। और अब उनकी अवस्था 70 वर्ष के लगभग थी। उनकी एज कितनी थी? 70 साल के थे वो। परंतु उनकी मुद्रा को देखकर ऐसा जान पड़ा मानो टॉल्स्टॉय की चर्चा करते समय अब भी वह स्वर्गीय सुख अनुभव करते हैं। और वे क्या करने लगे कि इन दोनों आदमी से टॉल्स्टॉय के बारे में बताना शुरू कर दिए। यह वह पेड़ है जिसकी छाया में बैठकर टॉल्स्टॉय किसानों को पढ़ाया करते थे। ये सब बात कौन बता रहे हैं? वो 70 साल के बूढ़े व्यक्ति बता रहे हैं, टॉल्स्टॉय जी के सेक्रेटरी इन दोनों को, कि इस पेड़ के नीचे बैठ करके टॉल्स्टॉय किसानों को क्या करते थे? पढ़ाया करते थे। इस झोपड़ी में रेपिन रहा करते थे। जब कभी टॉल्स्टॉय के चित्र बनाने वह यहाँ आते थे, यहाँ टॉल्स्टॉय के घोड़े रहते थे। मतलब कि जगह जगह बता रहे हैं कि कौन कहाँ पे रहता था। यहाँ पे घोड़ा, यहाँ पे लोगों को पढ़ाया जाता, यहाँ पे चित्रकार रहते थे। टॉल्स्टॉय ने अपनी माँ द्वारा लगाए गए बाग और पेड़ों की बड़ी सावधानी के साथ रक्षा की। यानी वो जो बगीचा लगा था, उस बगीचे को किसने लगाया था? टॉल्स्टॉय की माँ ने। क्योंकि जब वह 2.5 वर्ष के थे तभी उनकी माँ मर गई थी, परंतु टॉल्स्टॉय कभी आजीवन उन्हें भूल नहीं सके थे। इनकी कितनी उम्र थी जब इनकी माँ की मृत्यु हुई? 2.5 वर्ष, समझते ना, 2 साल 6 महीना। हमारे गाइड धीरे धीरे रूसी भाषा में कहते जा रहे थे और यूरा मेरे लिए अनुवाद करता जा रहा था। इस बात को थोड़ा समझिए, यानी जो 70 साल के व्यक्ति थे ना, उनको हिंदी नहीं आती थी, वो रूसी भाषा में बोलते थे। किस भाषा में? तो रूसी भाषा में बोलते थे। और जो यूरा था इनका मित्र लेखक का, वो रूस समझता था रूसी भाषा, तो वो समझ करके इनको हिंदी में बताता था। किनको? राम कुमार जी को, लेखक राम कुमार जी को। छोटी छोटी पगडंडियां बरसाती नालों की भांति मकान के इर्द गिर्द फैले बाग में दूर दूर तक सिकड़ी हुई थी। पगडंडी आप लोग समझते हैं, भोजपुरी में कहा जाला डणेड़, डणेड़ बुझा लाला खेत में। तो बताओ तरह की जगह जगह डणेड़ रहता ना बनल बैठे टेड़ में। कदम कदम पर टॉल्स्टॉय के जीवन की अनगिनत स्मृतियां बिखरी हुई थी। कहीं कोई लकड़ी का बेंच था जिस पर वह सुबह बैठा करते थे। अब आगे बढ़कर बताओ तरह कि यही लकड़ी के बेंच यही पर वहाँ के बैठ उतर नहीं आई, अब बैठ के कहा उतर लो, आराम उतर लो। कहीं कोई पेड़ था जो उन्हें बहुत पसंद था, एक शाखा पर एक घंटा लगा था जिसे खाने के समय बजाकर परिवार को सब सदस्यों को डाइनिंग रूम में आने की सूचना दी जाती थी। धीरे धीरे हम उस रहस्यमय वातावरण में खोते जा रहे थे। अब यहाँ में बताया जा रहा है कि एक घंटी, घंटी बेल लगी, जैसे आजकल दरवाजा पर बेल लगा था, बेल बेहतर लगी नहीं, लेकिन पहले कुली ना रहे थे घंटी रहे तो टुन टुनावल हो जाएंगे, स्कूलिया में बजावल जला तो सब घर वाला लोग को बुझा जाएंगे, अब सबके भी इकट्ठा हो जाओ डाइनिंग रूम में, क्या करे खाती खाना, मैंने सब संग ही खाना खाओ। बाहर की परिक्रमा करके हम उनके घर में घुसे। परिक्रमा मैंने क्या होला, चारों ओर घूम के उनके घर में भी लो इंटर कर ले। दरवाजे के भीतर कदम रखते ही सारे शरीर में एक प्रकार से सनसनी सी दौड़ गई। उनकी जीवनी में पड़ी कितनी ही घटनाएं एक साथ मस्तिष्क में घुड़दौड़ लगाने लगी। एक कमरे में शीशे की अलमारियों में उनके कपड़े टंगे हुए थे मानो उन्होंने अभी उतारे हों। उनका कोट, पतलून, ओवरकोट, ड्रेसिंग गाउन, मोजे, लंबे लंबे रूसी जूते, कमीजे सब थे। एक कोट के विषय में उनके सेक्रेटरी ने बताया कि आना करीनीना के रुपयों से उन्होंने वह कोट खरीदा था। दीवारों पर उनके और उनके परिवार के चित्र टंगे हुए थे। उनकी पत्नी और पुत्री को चित्रकारी का शौक था। मतलब ये तो चित्रकार थे ही, उनकी जो पत्नी थी और पुत्री थी दोनों को किसका शौक था? चित्रकारी का शौक था। उनके बनाए चित्र भी थे। यह उनके पढ़ने लिखने का कमरा था। एक कोने में छोटी सी मेज और बिना सिरहाने की एक तिपाई रखी हुई थी। मेज पर एक कलम और दवात रखी हुई थी। अरे पहले के टाइम में क्या था, आज के समय के जैसा कलम उतना नहीं था, लोग बोर बोर कर, मतलब स्याही में बोर बोर कर लोग लिखते थे, कलम दवात रखते थे। इस तिपाई पर, तिपाई मने समझ में आओ तो तिपाई तरई बुझे लगे देखले बड़े लगे तरई ओकरे के तिपाई कहल जाए। आजकल का कहल जाता ओकरे के? चटाई कहल जाता। आजकल रेडीमेड मिल जाता नीचे बिछावे ला। खैर नीचे अब केहू सुतू नहीं क्या, अब सबे चौकी आ चौकी ना, अब लोग पलंग जो है सीधे, जुग बदल गई।
इस त्रिपाई पर उन्होंने अपने जीवन का कितना बड़ा भाग बिताया होगा, यहीं बैठकर उन्होंने आना करनीना और युद्ध शांति की रचना की, और उसी जगह पर बैठकर उन्होंने दो पुस्तक लिखा, आना करनीना और युद्ध और शांति, जो बहुत ही फेमस हुआ था। यही कोना उनके मकान का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। उनकी सादगी देखकर हृदय विचलित हुए बिना नहीं रहा। सेल्फों पर अनगिनत किताबें सजी हुई थी। सेल्फ आप लोग समझते हैं, रेक कहा जा रहा भोजपुरी में, रेक रेख लो बुझा, जैसे पीछा उतार लगे लगता हो ना, ना सी के बगल में हो देखो निकल लम्बे धैल हो दे, अरे लोहवा कहते निकल डिग्बा के बगल में लोहवा के धैल बा, तो मैं जगह जगह खंड बनल बा, ओकरे के रेक कहा जाला। चाहे किताब के दुकान में जात को बोलो किताबवा ना कुल सरिया हो रहे ला, अलग अलग खंड ओकरे का कहा जाला, रेक कहा जाला। तो सेल्फों में किताब सजाया गया है। वह जर्मन, फ्रांसीसी और अंग्रेजी भी पढ़ लेते थे। टॉल्स्टॉय जर्मन भी भाषा जानते थे, फ्रांस की भी भाषा जानते थे और अंग्रेजी भी जानते थे। उनके पुस्तकालय में 23,000 पुस्तकें थी। कितनी पुस्तकें थी? 23,000 पुस्तकें उनके पुस्तकालय में रखी गई थी। अगला पेज है, उनके पास दुनिया के कोने कोने से पत्र आते थे जिनकी संख्या 20,000 के लगभग है, और वह अधिकतर उन पत्रों के उत्तर दिया करते थे। मतलब लगभग उनके पास बराबर लोग चिट्ठी भेजते थे लिख करके, और उनके पास करीब करीब कितना चिट्ठी इकट्ठा हो गया था? 20,000 चिट्ठी इकट्ठा हो गया था, और वो सारे चिट्ठियों का क्या करते थे? उत्तर देते थे, मतलब उधर से वो जवाब देते थे। यह उनका सोने का कमरा था। खिड़की के पास उनकी चारपाई बिछी हुई थी। दूसरी मंजिल से दूर तक फैले हुए खेत, गांव के मकानों की छतें और छोटी छोटी हरी पहाड़ियां दिखाई दे रही थी। उनकी पत्नी के सोने का कमरा अलग था, क्योंकि अंतिम वर्षों में आपस में खटपट रहने के कारण उनके सोने के कमरे अलग अलग थे। मतलब इनका और इनकी पत्नी के बीच में मतलब जो रिश्ता था वो अच्छा नहीं, झगड़ा होता रहता था, जिसके चलते ये दोनों अलग अलग सोते थे। सुबह उठकर कुछ घंटे वह अपनी चारपाई पर बैठकर ही लिखा करते थे। एक अन्य कमरे में एक और मेज भी थी। मेज समझते हैं आप लोग? टेबल। मेज मतलब क्या होता है? टेबल। जिस पर टॉल्स्टॉय की पत्नी पहले उनकी पांडुलिपियों की नकल किया करती थी, और शायद युद्ध और शांति जैसी बड़ी पुस्तक की उन्होंने 3 बार नकल की थी, परंतु बाद में उन्होंने ये सब छोड़ दिया था। इनकी पत्नी भी इन्हीं की तरह थी, मतलब लिखना पेंटिंग करना, लेकिन वो नकल करती थी इनका, लेकिन उनसे नकल हो नहीं पाता था, तो अंत में उन्होंने क्या किया? छोड़ दिया। खाने का कमरा दूसरी मंजिल के एक सिरे पर था। यह बहुत बड़ा था। खाने का कमरा समझ रहे हैं, मतलब जहां पे खाना उन्हें लोग खाते थे। बीच में एक मेज थी, इसके इर्द गिर्द 12 कुर्सियां रखी हुई थी। फिल्म वली में देखा था, बोलोगे डाइनिंग टेबल, बीच में कोई डाइनिंग टेबल रही, चारों ओर से कुर्सी रही, सब लोग बैठ के खाला, ठीक बा ना? 12 वो कुर्सी बाय में। दो बड़े बड़े पियानो थे। पियानो समझते हैं? अरे फिल्म वली में देखला बोल बजावे ला सही रहेगा कुली। टॉल्स्टॉय को संगीत का बहुत शौक था, और प्रायः खाने के बाद उनकी लड़की पियानो पर किसी क्लासिकल संगीतकार का संगीत बजाया करती थी। चारों ओर आराम कुर्सियां थी, जिन पर खाने के बाद लोग आराम किया करते थे। दीवार पर रेपिन के बनाए हुए चित्र थे। वह टॉल्स्टॉय के अभिन्न मित्रों में से एक थे, और कितने कितने दिन आकर उनके पास रहते थे और उनके चित्र बनाते थे। रेपिन के चित्रों को देखकर ऐसा जान पड़ा मानो उन्होंने टॉल्स्टॉय की आत्मा और उनके हृदय की गहराई को छू लिया होगा, जिसका आभास टॉल्स्टॉय की आंखों से हुआ। इस कमरे का वातावरण अत्यंत सजीव जान पड़ा। आंखों के सामने कल्पना के वे चित्र घूमने लगे, जब टॉल्स्टॉय का परिवार खाने के बाद उस कमरे में जीवन भर देता होगा। नीचे की मंजिल में कुछ अतिथियों के लिए कमरे थे, यानी कि नीचे का जो मंजिल था उसमें अतिथियों के लिए कुछ क्या था? कमरे, गेस्ट रूम, समझे ना लोग? हाँ। एक उनके डॉक्टर का था, जो उनके साथ ही रहता था, और अंतिम बार जब सदा के लिए टॉल्स्टॉय ने अपना घर छोड़ा तो केवल डॉक्टर ही उनके साथ गया था। एक और उनका निजी कमरा था। उनके सेक्रेटरी ने बतलाया कि यह कमरा उन्हें बेहद पसंद था, क्योंकि यह घर के शोरगुल से दूर था और यहाँ उन्हें सदा एकांत मिलता था। इस कमरे का बहुत सा वर्णन उन्होंने आना करीनीना में लेविन के कमरे की चर्चा करते समय किया था।
क्योंकि लेविन के चरित्र में उन्होंने बहुत कुछ अपनी बातें कही थी। कमरे की सादगी, बाहर खुलती हुई खिड़की, एक चरपाई, बहुत कुछ वहीं था। एक कोने में पानी भरने का एक बर्तन रखा हुआ था, जिसमें टॉल्स्टॉय अपने अंतिम दिनों में बाहर जाकर कुएं से स्वयं ही पानी भरकर लाते थे। मतलब सब उनके बारे में बताया जा रहा है कि कौन सा रूम में क्या करते थे, कब वो क्या किए। समझ में आ रहा है ना बात? सब सिंपल लैंग्वेज में सारा चीज है। म्यूजियम को देखकर ऐसा जान पड़ा कि जिस व्यक्ति को जीवन में कभी नहीं देखा, जिसकी मृत्यु हुए भी 50 साल के लगभग बीत चुके हैं, उसके जीवन की एक झांकी, एक धुंधली सी छाया आज दिखाई दी, जिसकी स्मृति शायद कभी धुंधली नहीं पड़ सकेगी। सुने मकान के कमरों में आज भी मुझे आना और लेविन की हल्की हल्की पदचाप सुनाई दी। पदचाप मतलब होता है पैर का आवाज, पैर का आवाज। वे सब व्यक्ति शायद इस स्थान को कभी नहीं छोड़ सकेंगे। इस मकान में केवल टॉल्स्टॉय के जीवन का इतिहास ही नहीं पता चलता, बल्कि कितनी ही आत्माओं के स्वर सुनाई देते हैं जिन्हें टॉल्स्टॉय ने जन्म दिया था। जब मकान से बाहर निकले तो हम तीनों ही चुप थे। तीनों समझ रहे हैं ना कौन कौन? लेखक, लेखक के मित्र यूरा और टॉल्स्टॉय का सेक्रेटरी। तीनों के तीनों आदमी क्या थे? जब घर से बाहर निकले, मानो 2 घंटों तक कोई स्वप्न देख रहे थे। बाहर तेज धूप निकली हुई थी और कुछ क्षणों के लिए मेरी आंखें उस रोशनी में चौंधिया सी गई। लोगों के झुंड इधर उधर घूम रहे थे। कुछ देर बाद हम टॉल्स्टॉय की समाधि की ओर बढ़ गए, जो उस घर से 2 फरलांग की दूरी पर था। पतली सी सड़क के दोनों ओर विशालकाय हरे भरे पेड़ों की कतारें आकाश को ढके हुई थी। छोटे छोटे बाग, कहीं फूलों की क्यारियां और कहीं उबड़ खाबड़ झाड़ियां थी। सेक्रेटरी धीमे स्वर में धीरे धीरे टॉल्स्टॉय के विषय में कुछ कह रहे थे, परंतु मेरे कानों तक उनका स्वर पहुंच नहीं पा रहा था। चारों ओर उदासी भरा एक सन्नाटा छाया हुआ था। मतलब कि उस जगह पर जब ये लोग गए तो उनके जो सेक्रेटरी थे वो बड़ा धीरे धीरे बोल रहे थे यूरा के कान में, और लेखक को ये पूरा पूरा सुनाई नहीं दे रहा था। कारण ये था ना कि जिस जगह पे गए थे वो समाधि था टॉल्स्टॉय का, और वहां पर कोई आवाज नहीं करता था। सब कोई क्या रहते थे? चुप रहते थे, इसलिए कोई तेज नहीं बोल रहा था। समाधि आप लोग समझते हैं, आदमी मरता है तो दफना दिया जाता है ना, और देखिएगा वहां पे घर टाइप का कुछ कुछ बना दिया जाता है, उसको समाधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समाधि। समाधि से थोड़ी दूर पहले सड़क पर एक बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर लिखा था कि इससे आगे लोगों को चुप रहना चाहिए। यानी जब ये समाधि के करीब गए तो कुछ दूर पहले ही क्या लगा हुआ था? एक बोर्ड लगा था। बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था? कि सबको क्या रहना है? चुप रहना है, बोलना नहीं है। समाधि क्या थी? एक छोटा सा मामूली पत्थर प्रकृति के बीच में पड़ा था, जिस पर रंग बिरंगे फूल सजे हुए थे। अपनी मृत्यु से पूर्व टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में विस्तार से आदेश दिया था कि जैसी निर्धन से निर्धन व्यक्ति की समाधि होती है, वैसे ही उनकी भी बने। उनकी मृत्यु पर किसी भी व्यक्ति का भाषण न हो, उनका स्थान भी वह स्वयं ही चुन गए थे। उनकी समाधि के निकट हम झुके और बिना एक भी शब्द कहे हमने उस महान आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कहने को कुछ भी बाकी नहीं बचा था, हम दबे पांव लौट आए। मतलब जब जिंदा थे ना टॉल्स्टॉय, तभी लोग अपने लोगों से बोल दिए थे, देखिए इस जगह पे हमको दफनाइएगा, यहाँ पे कोई नेता के भाषण नहीं देगा, कोई हल्ला गुला नहीं करेगा। एकदम जिस तरह गरीब का गरीब आदमी से समाधि बनता है, उस तरह बने। VIP नहीं है कि मैं धनी मनी हूँ तो VIP बने, एकदम नॉर्मल एक पत्थर रख दीजिएगा, फूल लगा दीजिएगा, और यही जगह पे मुझे क्या कीजिएगा? दफना दीजिएगा। सोचिए मरने से पहले ही व्यक्ति ये सब सोच रहा है। आप लोग भी अपना जगह खोज लेना चाहिए, ठीक है ना। बाहर निकल कर अपने डायरेक्टर के साथ एक रेस्तरा में खाना खाया। रेस्तरा समझते हैं, आजकल इसको रेस्टोरेंट कहा जाता है। रेस्टोरेंट सुने होंगे आप लोग जरूर, होटल होटल में बढ़िया बढ़िया, जहाँ पे जो 10 रुपए का खाना है उसमें 100 रुपए का मिलेगा, ठीक है ना, उस होटल को रेस्टोरेंट बोला जाता है। म्यूजियम के डायरेक्टर ने बतलाया कि वह वर्षों से टॉल्स्टॉय के जीवन और उनके कृतित्व का विशेष अध्ययन कर रहे हैं। सामाजिक और वैज्ञानिक रूप से टॉल्स्टॉय द्वारा चरित्रों, कथानकों आदि का विश्लेषण कर रहे हैं। अपने जीवन के अंतिम वर्ष वह इसी म्यूजियम में व्यतीत करना चाहते हैं। यानी जो सेक्रेटरी है, किनके सेक्रेटरी? टॉल्स्टॉय जी के। तो बताते हैं कि मेरा एज तो 70 साल हो चुका है, अब मैं सोच रहा हूं कि मैं अपना पूरा जीवन यहीं पर बिताऊंगा मरने के वक्त तक। हमारी कार फिर तेजी से मास्को की ओर रवाना हो गई।
यानी फिर से ये जहाँ से आए थे मास्को से फिर वहाँ लौटने लगे, रेडियो से फिर संगीत की ध्वनि हमारे कानों तक पहुँचने लगी। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग गाड़ियाँ चलाते समय उसमें गाना बजा देते हैं चार चक्का में। शाम की धुंधली रोशनी में पेड़ों की परछाइयाँ लंबी होने लगी, अतीत की दुनिया से बाहर आकर वर्तमान की ओर हम बहुत तेजी से बढ़े जा रहे थे। सुबह आते वक्त खिड़की से बाहर जिन गांवों, शहरों और मकानों को देखने में जो मेरी दिलचस्पी थी वह अब समाप्त हो गई थी। मैंने आंखें बंद कर ली, परंतु यासना या पुलियाना की दुनिया से अपने आप को अलग नहीं कर सका। मेरी तीर्थ यात्रा समाप्त हो गई। 5 वर्ष पूर्व फ्रांस में रोमा रोला का घर देखने के बाद जो भावनाएं उठी थी वही मैं इस समय भी अनुभव कर रहा था। अनुभव करता हूं कि इस प्रकार की तीर्थ यात्रा से कितना उत्साह मिलता है, कितनी प्रेरणा मिलती है। तो देखिए चैप्टर समाप्त होता है। ये चैप्टर में क्या है कि टॉल्स्टॉय के बारे में पूरा बताया गया है। अब इससे संबंधित आपकी किताब में क्वेश्चन दिए गए हैं, लगभग 11 क्वेश्चन है, ठीक है ना, पेज नंबर 68 पे। चलिए उसको लिख लीजिए और फिर कल एक नया चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे।